सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक। जट समाज सभा हरियाणा ने चुनावी घोषणा पत्र में सभी पार्टियों पर नशे के एजेंडे का मुद्दा मुख्य रूप से शामिल करने की अपील की है। वहीं जट समाज सभा के प्रधान ने कहा कि अगर कोई भी पार्टी अपने घोषणा पत्र में नशे का मुद्दा नहीं ऐड करती तो उसका जट समाज की तरफ से चुनावों में विरोध किया जाएगा। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जिला फतेहाबाद में नशे का प्रकोप काफी तेजी से बढ़ रहा है। हरियाणा के नौजवान नशे से ग्रस्त होकर अपराधी बनते जा रहे हैं। नशे को जड़ से खत्म करने के लिए सभी पार्टियों और लोगों को सहयोग करना चाहिए। जट समाज सभा ने कहा कि नशे के कारण नौजवान नकारा हो रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि विश्व स्तर पर अपनी ताकत का डंका बजाने वाले दूध घी से बड़े हुए हरियाणा के नौजवान आज भयानक नशे की दलदल में फंसकर निकम्मे और नशेड़ी कहलाने लगे हैं। ऐसी ही सोच के चलते इस भयानक समस्या से चिंतित जट समाज सभा हरियाणा के गांव-गांव में जाकर नशे के विरुद्ध जन जागृत अभियान चला रही है कि नशे को लेकर, क्योंकि इलेक्शन आ गया हरियाणा में, तो हम हर पॉलिटिकल पार्टी को ये अपना मेमोरेंडम भेजें ताकि उनके चोन मैनिफेस्टो में इसे शामिल किया जा सके। हर पार्टी अपने चोन मैनिफेस्टो में ये वादा करे हमारे समाज के साथ कि वो आने वाले समय में अगर उनकी सरकार बनती है तो नशे पर पूर्ण प्रतिबंध लगाएंगे। तो अगर, क्योंकि हमारा जो समाज है वो आज नशे की वजह से एक तरह से खत्म होने की कगार पर है, क्योंकि जो नशा चिट्टा है, चिट्टा की वजह से लोग मर भी रहे हैं और लोग नामर्द भी हो रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हो चुके हैं जो बच्चा पैदा करने की उनमें ताकत खत्म हो चुकी है। तो ये बहुत बड़ा मसला है और किसी एक समाज, किसी एक वर्ग, किसी किसान, किसी व्यापारी का नहीं, बल्कि हर वर्ग का ये मसला है। और हम चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टियां भी सीरियसली इस मसले को लें। जो बड़े बड़े स्मगलर इस काम में लगे हुए हैं उनकी नकेल डालें और ताकि हमारे समाज को बचाया जा सके। और हमने जो मेमोरेंडम दिया है सभी पॉलिटिकल पार्टियों को, कोई बड़ी छोटी नहीं देखी है, कोई भेदभाव नहीं है, क्योंकि जट समाज सभा हरियाणा पूरी तरह से गैर राजनीतिक संगठन है। तो हर पॉलिटिकल पार्टी को हम ये भेजेंगे और जो भी पॉलिटिकल पार्टी इसे अपने एजेंडे में शामिल नहीं करेगी, मैनिफेस्टो में शामिल नहीं करेगी, तो हम ये आह्वान भी करेंगे कि उसका इलेक्शन में पूर्ण तौर पर बायकॉट किया जाए। सत्य खबर के लिए फतेहाबाद से जसपाल सिंह की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।